जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मौर्या एरिक्सन इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और आइए आज आपको दिखाते हैं कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह है तो आप उसका कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी स्कूटी वगैरह नहीं चल रही तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं और कैसे आप उसमें फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं, किसमें आखिर क्या फॉल्ट है, आपका कंट्रोलर खराब है कि मोटर खराब है, और अगर मोटर भी सही है कंट्रोलर भी सही है तो उसमें क्या फॉल्ट है, फिर आपका ये स्कूटी नहीं चल पा रहा है। आइए दोस्तों, ज़्यादा ना समय खराब करते हो, आपको हम डायरेक्ट दिखाते हैं कि कैसे स्कूटी के कंट्रोलर को चेक कर जाता है और किन किन वायरों में क्या क्या सप्लाई आती है। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हो दोस्तों, आइए आपको शुरू करके दिखाते हैं कैसे हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का कंट्रोलर टेस्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक ओरिवा का ई बाइक का कंट्रोलर है। ये ओरिवा कंपनी की स्कूटी में आता है और आप इसका रेटेड वोल्टेज भी देख सकते हैं, 48 वोल्ट है। अंडर प्रोटेक्शन वोल्टेज में इसमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है। अंडर प्रोटेक्शन वोल्टेज यानी 42 के नीचे अगर आपकी बैटरी रहती तो उस पर यह काम नहीं करेगा, जिससे आपका कंट्रोलर सेफ रहेगा। पीक प्रोटेक्शन करंट भी इसमें दिया गया है, जो कि 18 एम्पीयर से ज़्यादा अगर आपका इस पर लोड जाता है तो भी ये कट ऑफ कर देगा। इसमें पावर की बात की जाए दोस्तों तो 250 वाट की पावर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें अगर ब्रेक की बात की जाए तो इसमें लो कटअप भी दिया हुआ है, और इसमें एक एंगल जो आता है, कम्युनिटी एंगल जो होता है 120 का है, 20 डिग्री का है। और ब्रेक टाइप इसमें भी दिया गया है, EABS इलेक्ट्रिक ABS भी इसमें आता है दोस्तों। तो आज हम इसको आपको दिखाएंगे पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों, कि इसको कैसे मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा कंट्रोलर सही है या ख़राब है। तो दोस्तों हम आपको इसकी टेस्टिंग जो बताने वाले हैं मल्टीमीटर के थ्रू बताने वाले हैं, और बिना पावर कनेक्ट किया है आप कैसे इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका कंट्रोलर सही है या ख़राब है। इसको आप बिना पावर में कनेक्ट किए भी आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। आपको नॉर्मल मल्टीमीटर ले लेना है, ये मल्टीमीटर अगर आपके पास नहीं तो आप नॉर्मल कोई सा भी मल्टीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेना है, और ये आपका कंटिन्यूटी पॉइंट, इस पर आपको मल्टीमीटर सेट कर लेना है। और जब आप इसमें सेट करेंगे तो आप दोनों नॉब कैसे सटाएंगे देखेंगे, एक बीप भी आती होगी, एक लाइट भी आती होगी। हम इसी के साथ आज कंट्रोलर को चेक करके आपको सिखाएंगे कि कैसे आप कंट्रोलर चेक करके पता कर सकते हैं बिना किसी करंट दिए हुए कि आपका कंट्रोलर सही है या ख़राब है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह है, आप इसका रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि रिपेयरिंग वगैरह काम तो करते हैं, उन्हें पता ही नहीं किस वायर में क्या करंट होता है और कैसे हम चेक करें बाहर से कंट्रोलर के बिना पावर कनेक्ट किए कंट्रोलर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें क्या ब्लैक वायर ले लेना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका मेन जो बैटरी का वायर होता है, इनपुट वायर होता है, इसकी वायर है। इसमें 48 वोल्ट इनपुट होता है, तो इसके रेड वाले में एक ब्लैक प्रोब को हमें ऐसे कैसे टच कर लेना है, आपको जैसे सुविधा लगे आप इसमें टच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मोटर की तीनों वायरें हैं इस पर हमें बारी बारी टच करके देखना है कि कितनी रीडिंग आ रही है दोस्तों। जैसा आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों 429 रीडिंग आ रही है, तो इसी तरह तीनों वायर पे तकरीबन 400 से ऊपर और 500 के अंदर रीडिंग आनी चाहिए। तो 429 इस पर ग्रीन कलर पे आ रही है, ब्लू पे चेक कर लेते हैं। ब्लू पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मीटर बीप कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर की वायर है और इस पर बीप की साउंड आ रही है। अब बस यानी कि ये कंट्रोलर शॉर्ट, लेकिन आप इसको तीनों को चेक करना है। और आप देख सकते हैं येल्लो, यानी येल्लो की पॉइंट और हमारी ग्रीन की पॉइंट सही है, लेकिन ये हमारी ब्लू वाली जो पॉइंट है ये शॉर्ट है, ये प्लस की पॉइंट से, ठीक है। अब एक बार माइनस की पॉइंट से चेक कर लेते हैं कि माइनस की पॉइंट से कौन कौन सा शॉर्ट बता रहा है। तो माइनस वाले प्रॉब पे हम मीटर का प्लस प्रॉब लगाएंगे, प्लस वाले इस पर लीड लगाएंगे और इसका ये माइनस वाली लीड पे इसका प्लस लगाएंगे। अब फिर एक बार बारी बारी चेक करते हैं, जैसे देख सकते हैं ग्रीन वाला हमारा सही बता रहा है और ये ब्लू वाला भी जैसे कि रीडिंग आ रही है, यानी कि इसमें केवल दो मॉस्फेट खराब हुए हैं, इसका एक चैनल, केवल एक चैनल जो है प्लस पॉइंट का खराब हुआ है, माइनस पॉइंट का चैनल इसका सही है। और येलो को भी चेक कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं आप दोनों पे तकरीबन रीडिंग सेम है, 427 और इसमें भी आपका 428 आपका वैल्यू शो कर रहा है। तो इससे हमें दोस्तों क्या पता चला कि हमारी ये जो ब्लू कलर की लीड है इसका ये पॉइंट शॉर्ट है। और दोस्तों
अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप करंट नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे पता था, ऐसे दोस्तों पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं बिना कनेक्ट किए भी कि हमारा कंट्रोलर सही है ख़राब है। और दोस्तों इसको हम रिपेयरिंग भी करेंगे, तो रिपेयरिंग भी करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको आज हम इसको खोल के भी चेक करा देते हैं और जो भी रिपेयरिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाएंगे हम, आप इसको आपको इसको खोलने का तरीका दिखा देते हैं कि कैसे इसको ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सारे पेज को ओपन कर लेना है, इसमें जो पेज लगी रहती है दोनों साइड से, क्योंकि ये स्कूटी वाला कंट्रोलर है तो इसमें थोड़ा सा दोनों साइड से खोलना पड़ता है, बाकी रिक्शे वगैरह का एक साइड से खोल के भी निकल जाता है ऊपर से पेज निकाल के, इसमें दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका ये ऊपर का जो बॉडी होता है इसी से मॉस्फेट इसमें लॉक रहता है, तो इसलिए इसको दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा। तो हम आपको दोनों तरफ से खोल के दिखा देते हैं और आपको उसके अंदर का फॉल्ट भी दिखा देते हैं और इसको रिपेयरिंग भी करेंगे। रिपेयरिंग का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, तो कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वीडियो देखने के लिए, तो इसलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। और हमारा चैनल काफ़ी नया है तो आप लोग इसे अपना भरपूर पूरा सपोर्ट कीजिए। और आज कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही तो तभी एक कस्टमर का आ गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी जानकारी भी दे दी जाए और कस्टमर का काम भी हो जाए, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और कोई भी अगर आपका सुझाव रहता है या सलाह रहता है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है और हर कमेंट का आपका हम रिप्लाई करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि आप इसमें देख सकते हैं ये मॉस्फेट जो है इसी ऊपर के कवर से इसमें प्रेस मतलब दबाव रहता है इस पर, तो इसको निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपका ये पेचकस होता है इसको आप माइनस कर लेंगे और इसके इसमें डाल के ऐसे कर देंगे, आपका बहुत आसानी से खुल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये निकल चुका है और निकलने के बाद आपको आराम से स्लाइड करके ऐसे निकाल लेना है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये कंट्रोलर हमारा था इसमें ब्लू लाइन शॉर्ट की थी, तो दोस्तों देखिए ये येलो लाइन इस किनारे पर है और ग्रीन लाइन इस किनारे पर है, ब्लू लाइन शॉर्ट किया हुआ था। आइए देखते हैं इसमें, देखिए आपको चार मॉस्फेट दिख रहे होंगे, तो आपको इसमें दिखाते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो पहले हमने दोस्तों जब आपको कंट्रोलर जब भी चेक करना हो तो अगर आपका मल्टीमीटर का प्रॉब पॉजिटिव का है तो हमेशा कंट्रोलर के नेगेटिव पे टच करें और उसके बाद बारी बारी चेक करें। तो पहले आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है और ये आपका ब्लू वाला पॉइंट है जिस पे बीप आ रही है, बीप आने के बाद फिर आपका ये रीडिंग आ जा रहा है इसका जो माइनस पॉइंट है, और आप इसको येल्लो वाले देखते हैं तो येल्लो वाले भी रीडिंग यानी माइनस जो इसका कंट्रोल का माइनस पॉइंट है इस पर रीडिंग तो सही आ रही है, लेकिन उसके क्या प्लस पॉइंट पे भी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो प्लस पे आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रीन पास हो गया और ये ब्लू आपका यहीं पे शॉर्ट मिला, येलो देखते हैं कि नहीं सही है कि नहीं, येलो भी दोस्तों सही है। तो इस तरह से भी आप बिना खोले भी चेक कर सकते हैं और आप खोल के भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें मॉस्फेट तो मॉस्फेट चेक कैसे करना है ये भी आपको दोस्तों बता दें कि आप हमेशा इसका जो है ये बीच वाला जो टांग होता है किसी भी मॉस्फेट का उस पर आप माइनस को टच कर लें और इसको ऐसे चेक करें। देखिए 56 है इसमें रीडिंग शो कर रहा है मल्टीमीटर में, दूसरे वाले का भी चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए बीप भी आ रहा है और 47 यानी कि ये जो लाइन है हमारी ये पूरी शॉर्ट पड़ी है। इधर का चेक कर लेते इधर इधर दोस्तों रीडिंग सही आ रही है, तो हमें जो इधर का जो मैंने बताया था ये पॉजिटिव पॉइंट इसमें पॉजिटिव पॉइंट का शॉर्टिंग है, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट का मॉस्फेट हम चेंज करके वो दिखाएंगे आपको। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबी होती जा रही है और इसका मॉस्फेट भी इस टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये ओलिवा कंपनी की तरफ से आता है ये पूरा आपका कंट्रोलर, और ये आपको हमने ओपन करके चेक करके भी बता दिया और इसमें आप कैसे फॉल्ट ढूंढते हैं ये भी मैंने बता दिया और कैसे रिपेयरिंग होती है इसको भी बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको इसकी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे कंटेंट मेरे अच्छे लगते हैं तो उसमें आप कमेंट जरिए करके बता सकते हैं, और अगर आप मन में कोई सुझाव है किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए और क्या क्या आप देखना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा जो भी आपकी डिमांड रहती है उसको पूरा कर पाऊँ। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, जय हिंद।